हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आईपीएल में हर टीम का एक एक मैच हो गया है, सो उसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि हर टीम ने जो जो एक एक मैच खेला है उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। देखिए, अभी कहना तो बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी हर टीम का एक एक मैच हुआ है, सो एक मैच से आप किसी टीम की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, और चाहे वो प्लेयर ही क्यों ना हो। सो अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, लेट्स सी क्या होता है आगे। सो बात कर लेता हूँ मैं पहले सीएसके की टीम का, जो मेरी फेवरेट है। सो सीएसके की टीम का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को दिखा वो एमएसके धोनी की बैटिंग। जो फर्स्ट मैच में वो बैटिंग कर रहे थे वो लाजवाब बैटिंग की उन्होंने, और मगर सबसे बड़ी बात है जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग कर रहे हैं तो उनके पुराने वाले शॉट याद आ गए। सो हम सबको और आप सबको नज़र रखनी चाहिए, इस बार एमएस धोनी कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं इस बार आईपीएल में। और सेकंड टीम है वो है आरसीबी। अगर आरसीबी की बात कर ली जाए तो आरसीबी हमेशा से उनकी बैटिंग स्ट्रांग रही है, और ये साल भी वही लग रहा है मेरे को। फर्स्ट मैच में भी वैसे ही दिखा कि उनकी बैटिंग ने लाजवाब करी, और उसमें से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा मेरा रहा वो विराट कोहली का फॉर्म में आना, और डुप्लेसिस ने तो अच्छी बैटिंग की ही। जो अगर थोड़ा वरी है आरसीबी के लिए, मुझे लगता है वो उनकी बॉलिंग है, वो भी स्पेशली उनकी डेथ बॉलिंग। काफ़ी सीजन से उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली डेथ बॉलिंग में, और वही हुआ लास्ट मैच में भी। सो उनको वो बहुत काफ़ी जल्दी सुधारना होगा। और अगर बात कर ली जाए आरआर की, तो आरआर मुझे लगता है ये साल नंबर वन कंटेंडर है आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो उनकी बेस्ट टीम है, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे फास्ट बॉलिंग का हो, चाहे उनका मिडल ऑर्डर हो, या चाहे उनके ओपनर्स हो। सो मुझे लगता है सीएसके के बाद मैं जिसको पसंद करूंगा ये बार आईपीएल जीतने के लिए, वो तो बेसिकली है मेरे को, मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जीत लेती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार आरआर बहुत स्ट्रांग लग रही है। और अगर बाकी टीम की बात कर ली जाए, वो दो नई टीमें जो हैं अहमदाबाद हो लखनऊ हो, दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला। सो अभी काफ़ी जल्दी होगा कुछ बोलना क्योंकि अभी एक एक मैच हुआ है, सो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, अभी काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है। और अगर बात कर ली जाए मुंबई की, केकेआर की, किंग्स इलेवन की, दिल्ली की, काफ़ी अच्छा खेला और टीमों ने। और एसआरएच के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि एसआरएच का काफ़ी लास्ट दो तीन सीजन से उनका मिडल ऑर्डर हमेशा से ही वीक दिख रहा है, और लास्ट मैच में भी वही दिखाई दिया। अगर उनके ओपनर्स नहीं चलते हैं तो उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, और वही हमें लास्ट मैच में दिखाई दिया। और लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे इंडियन फास्ट बॉलर लाजवाब, मतलब देखने लायक, मज़ा आ गया उनकी बॉलिंग देखने में, चाहे वो भूवी हो, चाहे वो उमेश यादव हो, चाहे वो कल्पशित कृष्णा हो, और चाहे वो हमारे जितने भी इंडियन फास्ट बॉलर्स अभी तक एक एक मैच में इन्होंने लाजवाब बॉलिंग करी। और मेरे को लगता है इस साल आईपीएल में फास्ट बॉलिंग में हमारे इंडियन फास्ट बॉलर ही डोमिनेट करेंगे, और मैं यही चाहूँगा और हम सब लोग भी यही चाहेंगे कि वो बेहतरीन बॉलिंग करें और हम लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। या